तो दोस्तों कैसे हैं आप। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हम टेस्ट करने वाले हैं पबजी का इन्फिनिक्स नोट 7 में। एंड जैसा कि आपको पता है ये स्मार्टफोन तैयार ही इसीलिए किया गया कि ये इन्फिनिक्स की तरफ से फर्स्ट टाइम एक गेमिंग स्मार्टफोन था जो कि मार्केट में लॉन्च हुआ है। एंड यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन का आज हम करने वाले हैं गेम टेस्ट। जैसे कि आपको पता है दोस्तों स्मार्टफोन जो है 40 FPS आपको फ्रेम रेट प्रोवाइड करेगा मीडियम ग्राफिक्स में। अगर आप हाई में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है 30 FPS तक जो है ग्राफिक्स फ्रेम रेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरऑल दोस्तों वीडियो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यहाँ पर दोस्तों आपने नोटिस भी किया होगा कि स्मार्टफोन के अंदर जो स्मूथनेस है वो एक गेमिंग स्मार्टफोन जैसी ही है। और इन्फिनिक्स का ये जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे पर्सनली तौर पर ये स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम TDM के अलावा दूसरा मैच लगाकर चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर स्मार्टफोन की जो है कैसी परफॉर्मेंस है। ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन की जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो इसके प्रोसेसर एंड चिपसेट की वजह से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों और भी बहुत सारे लोगों ने स्मार्टफोन के पबजी टेस्ट जितनी भी वीडियोज़ आप देखेंगे सब में आपको ये बताया जाएगा कि मीडियम पर जो है आप यहाँ पर अल्ट्रा तक खेल सकते हैं यानी 40 FPS तक फ्रेम रेट आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफोन की जो मेन चीज़ है वो ये है कि स्मार्टफोन का जो चिपसेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रियलमी के C3 में भी हमें Helio G70 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, वैसे ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको जो है Helio G70 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो होप दोस्तों आप जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, वीडियो को लाइक कर दें साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।